मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टैंक्स। इस समय हम मौजूद हैं शिलफाटा पर और आपको बता दें कि शिलफाटा के भट्टी गली में जो है यहाँ पर भीषण आग लगी हुई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि करीब जो है आग लगने की वजह से 8 से 10 गोडाउन जो है जलकर खाक हो गए। हालांकि जो बचे हुए गोडाउन है उसमें से सामान जो है वो निकाल कर लेकर जाया जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से आसमान में आप देखेंगे कि धुएं का काला गुंबार आपको नजर आएगा। और ये शिलफाटा की भट्टी गली एरिया है जहां पर आज दोपहर करीब 3 बजे के आसपास में आग लगने की खबर सामने आई है। हालांकि बता दें आपकी आग जो शुरुआती में है वो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लगा है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि जो है वो नहीं हो पाया है। ये जांच का विषय है कि आखिर आग कैसे लगी। आपको बता दें ये शिलफाटा पर आग की दूसरी घटना है जो बड़ी ही भयानक आग यहाँ पर आग लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और दमकल विभाग के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद है। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां जो है आग बुझाने में यहाँ पर लगी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग का धुआं यहाँ पर देखा जा सकता है। भट्टी गली ये है और 8 से 10 गोडाउन जो है यहाँ पर जलने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्लास्टिक और लकड़े और इस तरह के जो सामान धोते भंगार के स्क्रैप वगैरह वो यहाँ पर रखा जाता था, लेकिन ये आग की ऊंची ऊंची लपटे आप देखेंगे कि किस तरह से 8 से 10 गोडाउन जो है जलने की यहाँ पर खबर सामने आ रही है। इसी तरह से पिछले साइड का जो एरिया है वहाँ का भी गोडाउन अभी खाली कराया जा रहा है। बहरहाल ये 8 से 10 गोडाउन ये देखेंगे आप कि अभी तक आग इसमें ये गोडाउन में नहीं लगी हुई थी, लेकिन अब इसमें भी ये गोडाउन भी जो है अब आग की चपेट में आ गया है। आग धीरे धीरे जो है बढ़ते ही जा रहा है यहाँ पर। एक बार यहाँ और आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ पर ये आग लगा है गोडाउन में, यहाँ पर आप देखेंगे कि टाटा पावर का वायर यहाँ से गया हुआ है और ठीक इसी वायर के नीचे जो है ये आग लगी हुई है। और ऐसे में ये तार में भी संभावना इसी जताई जा रही है कि कहीं ये तार भी ना गिर जाए, इसलिए एहतियात के तौर पर यहाँ से जितने भी लोग यहाँ पर खड़े थे उन सभी का टाइगर शील्ड टाइगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं। सबको हटाया जा रहा है क्योंकि आग जो है वो काफी भयानक रूप लेते हुए जा रही है। काफी भयानक स्थिति जो है यहाँ शिलफाटा पर हुई है। दूसरा आग का घटना, इसके पहले भी कुछ दिन पहले आग लगी हुई थी शिलफाटा पर और एक बार फिर आग लगने की ये घटना सामने आई है। काफी भयानक आग लगी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फायर फाइटर्स जो है वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ से आपको दिखाएंगे कि करीब 4 से 5 जो है गोडाउन यहाँ पर आग से जले हुए हैं। और जबकि हवा तेज होने की वजह से देखेंगे कि आप जिस तरफ ये धुएं का रुख है उसके पीछे की तरफ जो है कम से कम 5 से 6 गोडाउन यानी कि कुल 8 से 10 जो है गोडाउन जलने की संभावना जताई जा रही है। काफ़ी नुकसान हुआ है ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि गोडाउन में जो है काफ़ी स्क्रैप वगैरह के माल भरे हुए थे और ये 3 बजे के आसपास में जो है आग लगने की घटना यहाँ पर सामने आई। हालांकि शुरुआत में बताया जा रहा है जो स्थानीय लोगों का कहना है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी, लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है कि आग कैसे लगी ये जांच में ही सामने आएगा। लेकिन फायर ब्रिगेड की जो है 2 गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश बहरहाल की जा रही है।